राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। नहीं, आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहाँ पर, हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भार्गव भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि डीएमके ने आज हिंदुओं पे पुनः यहाँ आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में ये कहा कि हिंदू महिलाओं को एनस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, भीमड़ा, ये माताएं हैं हमारी। हमने कभी एनस्लेव नहीं किया है, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है ना। राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। आप बैठे। ना 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 ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग धिकार का विषय है, धिकार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए, आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है ये। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब धारयति इति धर्म। जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है, ये कभी ना हटेगा ना हटने की इसके स्वप्न कोई देख सकता है।